नमस्कार मित्रों, मैं मोहन पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने टेक चैनल आनंद आर टेक्नो में। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कि आसमानी बिजली क्यों गिरता है, कहां गिरता है, इसके पीछे की सारी वजह क्या है, उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं कहूँगा कि अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हमारे आने वाले वीडियो की सूचनाएँ आपको मिल जाएंगी। तो मित्रों, मैं बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि आसमानी बिजली आखिर गिरती क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं मित्रों कि आसमान में जो बादल होते हैं, ये बादल वाष्पीकृत धुएँ होते हैं। जो वाष्प होते हैं, जो धरती से उड़ करके वाष्प उड़ते हैं, यही इकट्ठा होते हैं आसमान में। तो मित्रों, ये जब बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं तो उसके बाद में इनका घनत्व होता है, भारी होने की वजह से ये नीचे की ओर आते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जो आसमान में आपको काले बादल दिखाई देते हैं, ये वो वाष्प हैं जो बर्फ़ बन चुके होते हैं। यानी कि जहाँ पे काले बादल दिखाई देते हैं वहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम पे बारिश हो सकती है। मित्रों, अब बिजली के पीछे कारण क्या है कि जो बिजलियाँ गिरती हैं, तो इसके पीछे के कारण मैं बता दूँ मित्रों कि जब बादल गिरते हैं और कोई एक दूसरे बादल आपस में टकराते हैं तो मित्रों वहाँ से बिजली उत्पन्न होता है। पानी के साथ में बिजली का प्रवाह नीचे की ओर हमेशा आता है, इसीलिए वो धरती पे कभी कभार आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ मित्रों कि ये गिरते कहाँ पे हैं। मित्रों, तो वाष्प वहीं बना करते हैं जहाँ पे खुले एरियाज हों, खुले मैदान हों, बारी हों, बगीचे हों या फिर नदी पहाड़ हो, ऐसे जगहों पे बिजलियाँ ज़्यादा गिरा करती हैं। क्योंकि ऐसे जगह के ऊपर जो आसमान होता है वहाँ पे वाष्प बहुत अच्छे तरह से बन जाते हैं, यानी बादलों का प्रकोप जो होता है वहीं पे पड़ा करता है, तो वहीं पे बिजलियाँ ज़्यादा गिरा करती हैं। तो ऐसे जगह से आप बच करके रहिए। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।